क्या आप भी झूठी एफआईआर के शिकार हुए हैं और किसी पर्सन ने आपके खिलाफ झूठी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई हुई है और आप उस पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म करना चाहते हैं? तो इस तरह की झूठी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म करने के लिए आपको क्या कानूनन स्टेप लेने होंगे, आज इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हाउ टू डील विथ फॉल्स एफआईआर। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हो गई है और पुलिस आपको ढूंढ रही है अरेस्ट करने के लिए, तो आपके पास क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले क्या स्टेप आएगा, रेमेडीज क्या अवेलेबल है, किस स्टेज पे कौन सी रेमेडी आपको अडॉप्ट करनी है। अब रेमेडी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले रेमेडी का स्टेज है, क्या वो रेमेडी आपको अरेस्ट से पहले लेनी है तो क्या रेमेडी होगी, और अगर आप अरेस्ट हो गए तो क्या रेमेडी होगी, और रेमेडी आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। अब ये तीन अलग अलग स्टेज हैं। पहली स्टेज, अब पुलिस आपको ढूंढ रही है, आपको अरेस्टिंग अभी तक हुई नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने उस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सबूत हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एफआईआर आपके अगेंस्ट हुई है ये पूरे तरीके से फॉल्स एफआईआर है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कीजिए। सेशन कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी आप एंटीसिपेटरी बेल मूव करेंगे और सेशन कोर्ट को ये बताएंगे कि देखिए ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इससे ये साबित होता है कि जो एफआईआर आपके अगेंस्ट हुई है वो पूरे तरीके से बेसलेस है और वो पूरी की पूरी एफआईआर फॉल्स है और इस एफआईआर के अंदर इमीडिएटली आपको बेल मिलनी चाहिए। जब आपको इस तरह की एफआईआर के अंदर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी तब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए जाना है। अब उस नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, उससे पहले हम बात करते हैं अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार फॉल्स एफआईआर के अंदर पुलिस पर्सन को अरेस्ट कर लेती है, अब यहां पर एंटीसिपेटरी बेल का आपका ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अपने जो भी रिलेटिव हैं उनको उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देनी है जो आपके घर पे या किसी आपके फ्रेंड के पास रखे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने एडवोकेट के पास भेजना है और वहां पर उन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर अगर आपका क्राइम ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है तो सीआरपीसी के सेक्शन 437 के अंतर्गत रेगुलर बेल मूव कीजिए, और अगर आपका क्राइम ट्राइबल बाय सेशन है तो सेक्शन 439 सीआरपीसी के अंदर जाकर के आप रेगुलर बेल कोर्ट के अंदर अप्लाई कीजिए और सबसे पहले उस फॉल्स एफआईआर के अंदर बेल लीजिए। जब आपको बेल मिल जाएगी तब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए जाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रेमेडी मैंने बताई, कई बार रेमेडी ऐसी होती है जहां पर आपको बेल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और फॉल्स एफआईआर के अंदर पुलिस विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल कर देती है। अब आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर भी हो गई है और पुलिस ने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट कर दी है और आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी है। अब जब चार्जशीट आपके अगेंस्ट फाइल कर दी है तो यहां पर आपको ना तो एंटीसिपेटरी बेल लेने की जरूरत है ना ही आपको रेगुलर बेल लेने की जरूरत है, अब आपको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेज के ऊपर वर्क करना होगा। और वो नेक्स्ट स्टेज क्या है, अब ये नेक्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन फाइल अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। ये जो एप्लीकेशन है ये हाई कोर्ट के समक्ष फाइल होती है जहां पर हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को किसी भी स्टेज के ऊपर खत्म करने की। अब ये जब एप्लीकेशन आप मूव करेंगे, चाहे आपने वो आफ्टर अरेस्ट करी है, चाहे वो बिफोर अरेस्ट करी है, चाहे वो आपको चार्जशीट फाइल होने के बाद आपने ये एप्लीकेशन फाइल करी है अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी की, तो यहां पर अब दो चीजें यहां पर होंगी। बिफोर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट आपने ये जो 482 की एप्लीकेशन फाइल करी है, बिफोर चार्जशीट फाइल करी है आफ्टर अरेस्ट और बिफोर अरेस्ट, तो यहां पर आपको ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 रेड विद आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फाइल करनी पड़ेगी और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जिनसे ये प्रूव होता है कि ये पूरी की पूरी एफआईआर फॉल्स है और इसके अंदर कोई भी ग्राउंड नहीं है, ये आपको हाईकोर्ट के समक्ष रखने होंगे और वहां पर हाईकोर्ट को ये बताना होगा कि ये पूरी की पूरी एफआईआर आपके अगेंस्ट फॉल्स तरीके से रजिस्टर्ड हुई है। यहां पर हाईकोर्ट आपकी पिटीशन को अलाउ करेगी और आपकी पूरी की पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वाश कर देगी। साथ ही जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ये फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है उसके लिए भी कोई ना कोई डायरेक्शन हाईकोर्ट के द्वारा जरूर पास की जाएगी। अब जो सेकंड इसके अंदर मैंने बताया है आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, जब आप किसी भी एफआईआर के अंदर उसको हाईकोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर क्वाश कराने जाएंगे और वो आफ्टर चार्जशीट फाइल करेंगे तो वहां पर पूरी की पूरी चार्जशीट को आपको उस एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और चार्जशीट आपके पास आ गई है,
अब यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाला आपको बुलाता है तो आपके फेवर के जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं आप उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको पार्ट बनाइए, ताकि वो सारे के सारे पेपर चार्जशीट का पार्ट बन जाए। और अब आपको हाई कोर्ट के अंदर जब चार्जशीट फाइल होने के बाद आप अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वेशिंग की पिटीशन फाइल करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट चार्जशीट के साथ हाई कोर्ट के पास लगेंगे और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा देखने के बाद हाई कोर्ट आपकी पिटीशन को डिसाइड करेगी और आपकी पिटीशन को अलाउ करके पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इमीडिएटली क्वेश कर देगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपने हाई कोर्ट के समक्ष अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी की पिटीशन मूव करनी है, तो उसके लिए ग्राउंड्स क्या होंगे? अब यहां पर तीन सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है। पहला ग्राउंड, फायर आपके अगेंस्ट हो गई है तो आप उसको इमीडिएटली अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा करके हाई कोर्ट से क्वेश करा सकते हैं। सेकंड, द ऑफेंस हैज नेट नेवर टेकन प्लेस। अब कई बार ऐसा भी होता है कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुई है और उसमें कोई इंसिडेंट लिखे हुए हैं इस तरीके के जो कभी हुए ही नहीं है, और आपके पास इस तरह के सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं जिससे आप प्रूव कर सकते हो जो इंसिडेंट एफआईआर के अंदर लिखे हुए हैं वो कभी हैपन ही नहीं हुए हैं, और आप जब 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन इस एफआईआर के लिए लगाएंगे तो वहां पर अपने इन सारे सबूतों को लगा करके कोर्ट को बताएंगे कि जो भी इंसिडेंट इस एफआईआर में लिखे हुए हैं ये कभी हुए ही नहीं है और इस एफआईआर को पूरे तरीके से क्वाश किया जाए। थर्ड, बेसलेस एलिगेशन विदाउट ग्राउंड। अब कई बार एफआईआर के अंदर ऐसे एलिगेशन लगाए होते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं होता है, जिनको प्रोसिक्यूशन कभी भी प्रूव नहीं कर सकता है, जिनको प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई भी सबूत हासिल नहीं कर सकती है। अगर इस तरह के एलिगेशंस के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप उसको अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में क्वेशिंग फाइल करके इमीडिएटली खत्म करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे ग्राउंड आप यूज करके अपने खिलाफ चल रही फॉल्स एफआईआर को इमीडिएटली हाई कोर्ट से क्वाश करा सकते हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बच सकते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर किसी पर्सन ने आपके खिलाफ फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई हैं तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी पर्सन ने फॉल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई है और आप ये कोर्ट के अंदर प्रूव कर देते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट कभी भी हैपन ही नहीं हुआ या आपके ऊपर इस तरह के कोई भी चार्जेस नहीं बनते हैं, तो आप बाद में ये प्रूव होने के बाद उस पर्सन के अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 211 के अंतर्गत उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और उसको 7 साल के लिए सजा करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की लीगल इंफॉर्मेशन आपके पास है तो कभी भी आप हाई कोर्ट की मदद से किसी भी फॉल्स एफआईआर को खत्म करा सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।